ध्यान दें, जो बहुजन की बात करेगा काम नहीं करेगा। तो बात तो बीजेपी भी कर रही है पिछले 15 सालों से, बात तो कांग्रेस भी 75 साल से करती रही है। हमेशा उसने जो बहुजन की बात की है कि हम बहुजन के साथ में ये करेंगे, इनके हित को करेंगे, लेकिन हित नहीं किया है उन्होंने, बहुजन की बात की है, बहुजन के काम नहीं किए हैं। लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव ने एक सम्मेलन करा जिसमें उन्होंने कहा कि अब बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी, लखनऊ के अंदर एक बड़ी सभा हुई जिसके अंदर सावित्री बाई फूले ने भी भाग लिया और तमाम लोगों ने उसमें भाग लिया, और अखिलेश यादव ने भी कहा कि अब बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। तो ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव अब बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने लगे हैं, क्या कहते हैं और किस नजर से आप देखते हैं इसको? हाँ, कोशिश तो यही की जा रही है, कोशिश यही बताने की जा रही है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और अखिलेश यादव क्या क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या दूसरे दल, सभी दल जो है बाबा साहब को, बाबा साहब के नाम को भुनाने पे लगे हुए हैं। सोचते हैं कि बाबा साहब के नाम पर इन शूद्रों का जो है वोट लूट लिया जाएगा, ऐसी इनकी चाहत है। तो असल में चाहे अखिलेश यादव हैं या कोई है, उनको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब के सपनों के भारत से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बाबा साहब के नाम को लेके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, सिर्फ इतना मतलब है। लेकिन चाहे अखिलेश यादव है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या अन्य दल, इनके बहकावे में ये शूद्र आने वाले नहीं है। बहुजन समाज के लोग अब समझ चुके हैं, ये बहुजन समाज के लोग सब जानते हैं कि इनके अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये क्यों बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब कांशीराम पार्क, डॉक्टर अंबेडकर पार्क लखनऊ में बना था, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, तो मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने उसको अय्याशी का अड्डा कहा था, और ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन पर बुलडोजर चला करके तोड़ देंगे। ये वही मुलायम सिंह यादव हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने बाबा साहब के स्मारक को तोड़ने की बात कही थी, इसे समाप्त, बुलडोजर चलाने की बात कही थी, अय्याशी का अड्डा कहा था। तो अचानक इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी मानसिकता दूषित है, इनको डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि इन्होंने अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़ा। अखिलेश यादव या इनके जैसे खास करके ओबीसी, पिछड़े समाज के, बहुजन समाज के नेताओं की मैं बात करता हूं, इन्होंने अपने बाप दादाओं के इतिहास को नहीं पढ़ा कि किस तरीके से इनके साथ गुलामी, जुल्म जास्ती होती थी। और अखिलेश यादव को तो शायद तब समझ में आई कि जब 2017 में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो जो सरकारी आवास मुख्यमंत्री का, जिसमें अखिलेश यादव जी रहा करते थे, उसको गाय के मूत से और गाय के गोबर से और गंगा जल से धोया गया था। और उससे पहले जब वो बंगला खाली किया था तो मीडिया के माध्यम से पूरे देश में अखिलेश यादव को टोंटी चोर कहा गया था कि बाथरूम की टोंटी निकाल के ले गया ये। तो जब इनको टोंटी चोर कहा गया, जब इनके बंगले को धोया गया, तब शायद थोड़ी बहुत इनके समझ में आई कि अपमान क्या होता है। और इनकी उस दिन समझ में आई कि यादव भी शूद्र समाज में आता है, यादव के छूने से भी अस्पृश्य हो जाते हैं, सवर्ण घर अपवित्र हो जाते हैं, ये तब समझ में आया।
लेकिन समझ में आई और उस बात को भूल गए। इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि ये जो अपमान हुआ उसका बदला लेने के लिए उसके लिए कुछ करते, आज तक कुछ नहीं किया। तो आज ये जो नाम ले रहे हैं बाबा साहब का, ये सिर्फ इन बहुजन समाज के वोटों को लूटने के लिए ये सब प्रपंच रचा जा रहा है, और इसके लिए मैं अखिलेश यादव को दोषी बिल्कुल नहीं मानता। वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में सब जायज है, लेकिन अगर गुनाहगार हैं तो वो दूसरे बहुजन समाज के नेता हैं। बहुत सारे नेता, अभी इसमें देखा होगा आपने प्रकाश राव अंबेडकर, एक फोटो छपा था अभी उसी मौके पर, ये संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को, अभी उसमें सबके फोटो है अखिलेश यादव के साथ, प्रकाश राव अंबेडकर का, सावित्री बाई फुले का, भंते सुमित रत्न का, और भी तमाम सारे नेताओं के फोटो है। तो ये जो लोग खड़े हुए हैं उनके साथ, ये भूल गए कि वही अखिलेश यादव है जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था। ये वही अखिलेश यादव है जहां रिजर्वेशन को खत्म करने का काम अखिलेश यादव ने किया था। कई लाख सरकारी कर्मचारी एससी एसटी के थे, उनको रिवर्ट करने का काम किया था। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध आरक्षण का अगर पार्लियामेंट में किया था तो अखिलेश यादव की पार्टी का ही शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर पार्लियामेंट में था, जिसने बिल फाड़ दिया था जब रिजर्वेशन की बात पार्लियामेंट में चल रही थी, बिल फाड़ने का काम किया था। तो ये जो नेता हैं, अगर हम प्रकाश राव की बात करें तो महाराष्ट्र में बाबा साहब के मिशन को बर्बाद कर दिया, जबकि ये तो बाबा साहब के वंशज हैं, खास बाबा साहब के मिशन को बर्बाद कर दिया, और अब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के मिशन को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। चाहे सावित्री बाई फूले हैं, चाहे राजरत्न अंबेडकर हैं, राजरत्न अंबेडकर भी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, भंते सुमित रत्न जी भी लगे हुए हैं इनके साथ। तो ये जो लोग लगे हुए हैं, इन पर, इनकी बुद्धि पे हमें तरस आता है कि जो नेता, जिन नेता के पिताजी अखिलेश यादव के मुलायम सिंह, जो खानदानी दुश्मन है बाबा साहब के और बहुजनों के, ऐसे लोगों के साथ में खड़े हो करके ये बाबा साहब का नाम लेकर के खुश हो जाते हैं कि अखिलेश यादव बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं तमाम सारे, खास करके जो शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो नेता हैं बहुत सारे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुजन समाज पार्टी में जिन्होंने सदियों तक मलाई मारी, आज वो अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए उनके साथ खड़े हैं। तो इन नेताओं को बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, चाहे दूसरे हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, इनको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। सबके अपने मिशन है, अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये सब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इससे पब्लिक को गुमराह नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का रास्ता सीधा दिल्ली पहुंचता है और वह सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है। तो कहते हैं, एक बहुजनों का नारा भी है कि जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पे राज करेगा। तो क्या लगता है, अखिलेश यादव इस वक्त दिल्ली के रास्ते की तरफ निकल चुके हैं और कहां तक पहुंच पाएंगे वह हमें बताएं। देखिए, ये जो नारा आप कह रहे हैं ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नारा है, और जो बहुजन की बात कर रहे हैं वो दिल्ली पे राज कर रहे हैं। ये जो नारा है, जो बहुजन की बात करेगा जी, ध्यान दें, जो बहुजन की बात करेगा, काम नहीं करेगा। तो बात तो बीजेपी भी कर रही है पिछले 15 सालों से, बात तो कांग्रेस भी 75 साल से करती रही है हमेशा। उसने जो बहुजन की बात की, बात की है कि हम बहुजन के साथ में ये करेंगे, इनके हित को करेंगे, लेकिन हित नहीं किया है उन्होंने, बहुजन की बात की है, बहुजन के काम नहीं किए हैं जी। तो ये नारा ही बेसिकली गलत है। इस नारे पे मैं कहता हूं, जो बहुजन के काम करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा।
तो बहुजन के काम कौन करता है? बहुजन के काम कांग्रेस ने नहीं किए 75 साल में, बहुजन के काम बीजेपी ने नहीं किए, बहुजन के काम अखिलेश यादव ने नहीं किए। इन्होंने बहुजन की जड़ें खोदने की काम किए। अखिलेश यादव ने तो सबसे ज्यादा जड़ें खोदी। अखिलेश यादव ने आरक्षण खत्म किया उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने महापुरुषों को गालियां दी। अखिलेश यादव ने महापुरुषों के बनाए हुए जिलों के नाम बदले, अस्पतालों के नाम बदले। तो ये जो है सब कहने वाली बातें हैं, ये बात करने की बातें हैं। जो नारा वो सही है इन लोगों ने दिया है कि जो बहुजन की बात करेगा, तो बात कर रहे हैं। और बहुजन के लोग इतने भोले भाले हैं कि इन नारों में ही आ जाते हैं कि बातों में ही हम वोट दे देंगे। अरे बातें तो बहुत कर ली, काम की बात करो ना। काम किए हैं सिर्फ बहन कुमारी मायावती ने, साहब कांशीराम ने, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता। ये ओबीसी के लोग खास करके जिनके लिए सबसे ज्यादा काम किए बहुजन समाज पार्टी ने, इनके महापुरुषों को सम्मान दिया बहुजन समाज पार्टी के नेता ने, बहन कुमारी मायावती ने, उनका नाम कोई नहीं लेता कि जो सिर्फ नाम बात करते हैं उनके पीछे ये दौड़ जाते हैं, जो काम करते हैं उन पे ये किंतु परंतु करते हैं। तो ये सोचने का विषय है, इस नारे को हमें बदलना पड़ेगा। जो बहुजन का काम करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, और दिल्ली पे राज अगर बहुजन की बात करें तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती ने काम किए हैं, वही दिल्ली पे राज करने की हकदार है, ऐसा मेरा मानना है। जी, आप थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने हमें बताया है कि जो बहुजनों की बात करेगा वह सत्ता पे राज करेगा, और यही होता आया है 75 साल से कि जो बहुजनों की बात करता है वह सत्ता पे राज कर रहा है। लेकिन लोगों को समझना होगा, बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा कि कौन उनका हितेशी है, कौन बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता है। और जो घोड़ी पे चढ़ना, बाल ना काटना, तमाम इस तरह की एट्रोसिटी होती है, रात के अंधेरे में बेटियों को जला दिया जाता है, आज सम्मान की बात दूरों तक चली गई है, तो इन सबके सम्मान की बात कौन कर सकता है, कौन इनको हक और इनके अधिकार दिला सकता है, ये बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा और सही टाइम पे सही इस्तेमाल करके अपनी वोट के अधिकार से सत्ता का परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।